नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और फर्स्ट बाइट की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव का पर्व शुरू हो चुका है। यूं तो पूरे देश में इस वक्त गणपति की धूम है, लेकिन खास तौर से महाराष्ट्र के मुंबई में आस्था जमकर हिलोरे ले रही है। पिछले काफी वर्षों से गणपति का ये पावन उत्सव ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश के कई राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। गणपति के भव्य पंडालों में गणपति की भव्य मूर्तियां विराजमान हो चुकी हैं और भक्त गण उनके दर्शन का पुण्य लाभ उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। गणपति बप्पा के भक्त बाजार से मनचाही मूर्तियां खरीद कर अपने घरों में गणपति को विराजमान कर रहे हैं। ऐसे में देखिए कैसे सज उठे हैं बाजार और मूर्तिकारों ने कितना सुंदर रूप दिया है गणपति की मूर्तियों को। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता अभिषेक यादव की ये खास रिपोर्ट। आप अपना नाम बताइए। सविता प्रजापति। मैम, जो गणेश चतुर्थी आ रही है 2 सितंबर को, तो उसके लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? आपको ग्राहकों को क्या देने हैं? हम तो हर बार नया से नया ही सामान देना चाहते हैं ग्राहकों को, अच्छी क्वालिटी में, अच्छे उसमें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे तैयारी करें, हम जो है ग्राहकों को पसंद आए। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आप मूर्तियों को बनाने में? कलर है, पीओपी वगैरह है, और चौक मिट्टी है, मट्टी है, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। इस वक्त जो कारोबार की स्थिति है वो कैसी है? कारोबार की स्थिति तो मार्केट तो डाउन ही है, महंगाई की उससे वैसे सही चल रहा है जो है काम। तो अभी तक काफ़ी बुकिंग हो चुकी होंगी? बुकिंग पूरी हो चुकी है, कुछ आइटम रह गए हैं वो एंड टू एंड ही बिकते हैं। छोटे आइटम जो हैं वो हाथ के हाथ ही लेके जाते हैं, वो बुक नहीं करते हम। जो बड़ी मूर्तियाँ हैं, बड़ी मूर्तियों के बारे में बताइए। बड़ी मूर्तियाँ सब बॉर्डर पर ही बुक होती हैं। मेरा नाम रूबी प्रजापति है। मैम, इस वक्त जो गणेश जी की मूर्ति हैं वो आपके यहाँ कहाँ से आई हैं और उनकी क्या क्या कॉस्ट है? ये सारी मूर्ति महाराष्ट्र की हैं, और मतलब महाराष्ट्र में जो विसर्जन का है उत्सव गणेश जी का, और वही यहाँ मेरठ में बनाया जाता है, और मेरठ के अंदर बहुत ज़्यादा गणेश जी विसर्जन का चल रहा है। और मेरे यहाँ पर जो सारा माल है सारा महाराष्ट्र का है, और लेके 100 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक की मूर्ति है जो गणेश जी की, बहुत अच्छी है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ये है कि इसी दिन बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता श्री गणेश का जन्म हुआ। इस गणेश चतुर्थी पर खास मांग इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियों की है। मिट्टी से बनी प्रतिमाएं पीओपी से बनी प्रतिमाओं की तुलना में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती। ये पानी में जल्दी घुल जाती हैं और इको फ्रेंडली गणपति को सुंदर बनाने के लिए इसमें कच्चे और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी भी सूरत में नुकसान नहीं देता। ये जो गणेश जी हैं, इस बार 2 सितंबर को जो गणेश चतुर्थी है उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? तैयारी तो बहुत कुछ है सर, अभी काम बहुत मद्धा है। और अभी देखिए, अभी आज तो 30 तारीख है, और ये है कि 31 में या 1 तारीख में काम को उठान हो सकता है। किस किस तरह के गणेश जी जो हैं वो आप लाए हो, जिनकी डिमांड है? ये ज़्यादातर तो लाल बाग का राजा है, और ज़्यादातर पब्लिक मिट्टी का विसर्जन करती है तो मिट्टी वाला गणेश जी ज़्यादातर मांगते हैं। ये इको फ्रेंडली आप बता रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, इको फ्रेंडली ये है कि आदमी इस मूर्ति को घर पर विसर्जन कर सकता है, और बाकी का गंगा जी ना जाने के इसे घर में विसर्जन करके, और बाकी के इसकी मिट्टी जो घुल जाती है वो गमलों में यूज कर सकता है, और जो बाकी के वैसी पक्की मिट्टी होती है उसे गंगा जी में विसर्जन करते हैं तो 2 से 3 दिन में गल जाती है। ये सारे ही मिट्टी की मूर्तियां हैं, सारे गणपति मिट्टी के हैं, इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, और कच्ची मिट्टी की मूर्तियां हैं, पीओपी की 2-4 मूर्तियां हैं, जिससे कि कोई सस्ती लेता तो पीओपी की, बाकी सारी इको फ्रेंडली हमारे यहाँ पे। ये मूर्तियां आप खुद बनाते हैं या कहीं से मंगाते हैं? कुछ बनाते हैं, कुछ खरीद के भी लाते हैं। कलकत्ता की हैं अधिकतर, कुछ अपनी बनाई हुई है, डेकोरेशन हम अपनी खुद करते हैं। तो इस बार जो है कारोबार में क्या है, क्या स्थिति है? अभी तो फिलहाल थोड़ा मार्केट डाउन है, आगे देखते हैं कल या परसों में जो रिस्पांस मिलता है। इस बार जो गणेश जी की मूर्तियां हैं उनमें खास बात क्या है कि जो उनको अलग बनाती है? पहले से ज़्यादा ही खास बात है, क्योंकि पहले पीओपी की ज़्यादा चला करती थी, अब सभी घर में इको फ्रेंडली गणपति की कुछ ज़्यादा ही डिमांड है, और अधिकतर हमारे पास सारी इको फ्रेंडली गणपतियाँ हैं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर लोग घर में गणपति स्थापित करते हैं। कई लोग अपने घरों पर
सात से दस दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। ऐसे में कुछ लोग भगवान गणेश की प्रतिमा को 3, 5, 7 और 10 दिन के बाद भी विसर्जित कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तो देखो जी भाव बनने हैं, गणपति के प्रथम पूजन है गणेश जी का, इसलिए एक ही देखा एक सब फायदा हो रहा है लोगों को धर्म के प्रति, इसलिए लोग कर रहे हैं पूजन, बैठा रहे हैं, कोई 2 दिन के लिए बैठाता है, कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए। इको फ्रेंडली का चलन ज़्यादा आजकल, बहुत से लोग कहते हैं कि हम विसर्जन करने ना जाएं, अपने पार्क में विसर्जन कर लें, तो उसके लिए ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बिल्कुल प्योर मिट्टी, कच्ची मिट्टी की हैं बिल्कुल एकदम ये। और आप इसको अपने घर के अंदर किसी ड्रम वगैरह में या बाल्टी में रख देंगे तो उसमें घुल जाएगी, उसका पानी जो आप पार्क वगैरह में डाल सकते हैं अपने पेड़ पौधों के अंदर। गौर किया जाए तो गणेश चतुर्थी के 11वें दिन विसर्जन प्रक्रिया के बारे में तो आपको पता ही होगा। आपको ये बता दें कि गणेश जी की प्रतिमा को अनंत चौदश यानी अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जित किया जाता है। बात की जाए शुभ मुहूर्त के बारे में तो सुबह को जो सही समय होगा वो सुबह 6:08 से लेकर 7:40 तक होगा। उसके बाद 10:45 से लेकर 3:32 के बीच रहेगा। इसके साथ ही दोपहर के समय मूर्ति विसर्जन का शुभ मुहूर्त 4:54 से लेकर शाम को 6 बजे से लेकर 27 मिनट के बीच रहेगा। दूसरी ओर शाम में ये शुभ मुहूर्त 6:27 से लेकर रात में 9:22 के दौरान रहेगा। और आखिर में रात को जो मूर्ति विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा वो होगा रात को 12:18 से लेकर 1:45 तक। शुभ नाम अंकुर मलिक। ये बताइए आप मूर्ति लेने आए हैं तो किस तरह की मूर्ति आप देखना चाह रहे हैं? जो मतलब किस तरह की, क्या जो गणेश जी बैठे हुए उस तरह की चाहिए मुझे। तो आपने मूर्ति ले ली, कौन सी मूर्ति ली है? नहीं मिली ना हमारे साइज की, मिली ना। हाँ जो हमें चाहिए वो नहीं मिला साइज हमको। क्या क्या साइज है? साइज कॉमन जो मीडियम होना चाहिए वो नहीं है, जो है वो इनके पास बुक है ऑलरेडी पहले से। तो कैसे सेलिब्रेट करोगे आप गणेश चतुर्थी को? वो तो थोड़ा ऐसे क्या बताए, वो तो वहीं आगे पता लगेगा। नहीं फिर भी कुछ तैयारी होती है कुछ गणेश जी को लेके, कुछ ये कि हम गणेश जी को लाएंगे ये करेंगे? तैयारी तो बहुत सारी है, वहाँ चल के पता लगेगा, ऐसे कैसे बताइए तो बताइए। 2 तारीख में गणेश जी जाएंगे मंदिर में, 2 तारीख में शाम के 4 बजे से, और पूजा हो जाएगी और ढोल धमाके के साथ स्वागत होगा गणेश जी का, और वह प्रसाद बढ़ेगा, लड्डू बनेगी, पूरी बनेगी, और विसर्जन काफी बड़ी रैली होगी, डीजे वगैरह होंगे, सब कुछ होगा, उसके साथ सरदना गंग नहर पे जाएंगे। पग में तुम्हारे फूल खिले हर खुशी तुमको मिले, पग में तुम्हारे फूल खिले हर खुशी तुमको मिले, कभी ना हो तुम्हारा दुखों से सामना, यही है हमारी गणेश चतुर्थी की शुभकामना। इजाजत दीजिए आप सभी को फर्स्ट बाइट की टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं।